सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी का चापलूसी करूंगा। तो जो गांव में सबसे बड़ा आदमी था उसके यहां काम करने लग गया, बोले आप जो करेंगे करूंगा। एक दिन गांव का आदमी सरपंच के पास गए तो उसने पूछा कहां जा रहे हैं, बोले मैं सरपंच साहब के पास जा रहा हूं। तो उसने सोचा कि इसका मतलब सरपंच बड़ा आदमी है, उस आदमी को छोड़ दिया, सरपंच के यहां सेवा चालू कर दी। एक दिन सरपंच जो था सुना कि सरपंच राजा से मिलने दिल्ली जा रहा है, उसने सोचा इसका मतलब सरपंच भी छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है जो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली राजा के यहां सेवा शुरू कर दी उसने, वही करता जो राजा का है वही करता। एक दिन राजा ने कहा भाई हमको जो है वृंदावन जाना है। बोले आप तो राजा हैं, आप क्यों जा रहे हैं? बोले हम तो राजा हैं लेकिन हमारे राजा तो भगवान है। उसने सोचा इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई है, तो बोला मैं आपके सेवा करूंगा, रास्ते में मुझे भी ले चलो, आपको जलपान कराऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, आपका आसन बिछाऊंगा। बोले चलो, और आकर के कोई बात नहीं, राजा चला गया, लौट गया। तो बांके बिहारी के मंदिर पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति को क्या है, मंदिर बंद हो गया, मंदिर बंद हो गया। पुजारी जा रहे थे तो पुजारियों से जिद करने लगा कि मुझे दर्शन के, पुजारियों ने कहा अब कल होगा दर्शन, अभी नहीं हो सकता। बोला बड़े, तो कहते हैं द्वार पर ही बैठ गया, बांके बिहारी का जो द्वार है उस पर बैठ गया, सवेरे दर्शन कर लूंगा, खुल जाएंगे, बैठा रहा। कहते हैं रात्रि को सर्दी का समय था तो ठिठुर रहा था, हमारे गोस्वामी परिवार ने रात को ठाकुर जी को क्या है, बहुत बांके बिहारी बहुत लाडले ठाकुर हैं भाई, इसमें तो दो राय नहीं, उनको क्या क्या भेंट करते हैं भक्त लोग, और वो स्वीकार करते हैं, अपनी फीलिंग भी देते हैं, अपना भाव और प्रेम भी देते हैं। ऐसे दीवाने हैं कि रात के लिए जो बिहारी जी की जो सेन आरती होती है ना, उस पे तो तुमसे लड़ जाएंगे कि मेरी जगह पर ठाड़ो कैसे है वो तू, ये मेरी जगह है, रोज यही जगह पर ठाड़े है कि दर्शन करूं मैं, माँ है जा कोने में, कहने का था। अब भाई वो रोज करते, बिहारी जी भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि ये कभी कभी आता है आकर के इसकी जगह घेर लेता है। तो ऐसे बिहारी जी लाडले ठाकुर हैं तो उनको वस्त्र वगैरह भी बड़े सुंदर और बड़े बढ़िया क्वालिटी के पहनाए जाते हैं। लाखों रुपए की सॉल किसी ने भेंट की थी गोसाइयों को, गोसाइयों ने सोचा आज तो बिहारी जी को उड़ाएंगे, कल से जो है ये हमको प्रसादी मिलेगी, दूसरी सॉल आ जाएगी कीमती। भगवान का भक्त यही आस करता है भाई, आज तो ठाकुर जी को ये हम भेंट कर रहे हैं, कल प्रसादी हमको मिलेगी। अब क्या हुआ चमत्कार कि रात को ठाकुर जी निकले मंदिर से और देखा कि वो ठिठुर रहा है, वही सॉल ठाकुर जी ने उसके ऊपर, उसने देखा भाई वो गुसाई तो मंदिर बंद कर रहे थे, इसमें से तो निकला ये सांवला सांवला सा लड़का, और देख करके लेकिन चुप पड़ गया। बोले ये चमत्कार है, इसको मतलब मुझे खड़ा नहीं होना है। तो बांके बिहारी ने वही सॉल उसके ऊपर डाल दी, बांके बिहारी चले गए। ऐसे बताते हैं कि ठाकुर जी रोज निधवन में जाते हैं और वहाँ जाकर के ठाकुर जी नित्य विहार और रासलीला करते हैं राधा रानी और गोपियों के साथ में। कोई बात नहीं, ठाकुर जी
रास विहार करके लीला करके करीब 4:30 बजे 4:15 बजे आए। आकर के ठाकुर जी अंदर गए। 4:15 बजे ठाकुर जी आए, 4:30 बजे पुजारी आ गए। मंदिर खोलने लगे, वो जो सो रहा था वो बोला क्या करते हो? बोले मंदिर खोले, ठाकुर जी की आरती करनी है हमको। बोले वो तो अभी अभी आए हैं, अभी तो सोए भी नहीं होंगे। अरे बोले भैया तू कहां से आया, चल हट इधर। बोले नहीं नहीं मैंने देखा कि अभी रात को गए थे ठाकुर जी तुम्हारे जाने के बाद। तो आपस में कह रहे कि ये जो है मूर्ख बना रहा है, जानता कुछ है नहीं। लेकिन जब उसने कहा, उन पुजारियों ने कहा कि ऐसा कोई चिन्ह है तेरे पास जिससे हमको विश्वास हो? बोले ये सॉल। गुसाइयों ने देखा कि ये सॉल तो वही है जो रात को ठाकुर जी को हम उड़ाए थे। तब से बांके बिहारी जी की आरती 7:30 बजे की हुई, 8 बजे की हुई। कि इसका मतलब ठाकुर जी अभी अभी रासलीला करके 4:15 बजे आए हैं, तो इसका मतलब कुछ देर तो ठाकुर जी विश्राम कर लें। तो गर्मियों में होती है 8 बजे और सर्दियों में होती है 9 बजे मंगल आरती ठाकुर जी की बांके बिहारी। और सेन आरती सर्दियों में होती है 8:30 बजे और गर्मियों में होती है 9:30 बजे, ये टाइम है। मंगल आरती साल में एक बार केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। चरण दर्शन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी। तो जो ठाकुर जी को ढूंढने चले हैं, जो ठाकुर जी की ओर चले हैं, तो ठाकुर जी क्यों नहीं उनको स्वीकार करेंगे?